हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो बेसन का घोल तैयार करने के लिए हम लेंगे बेसन 1 कप, चावल का आटा 2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, पानी बैटर बनाने के लिए। सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालेंगे, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अजवाइन, बेकिंग पाउडर, नमक। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। सारा सामान हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है। घोल हमारा तैयार है। इसमें हमने 1 कप से थोड़ा कम पानी का प्रयोग किया है। आलू का मसाला बनाने के लिए हम लेंगे आलू 3 मीडियम साइज के, जिसे मैंने उबाल कर छील कर अच्छे से मैश करके रखा है, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा, जीरा 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, राई 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल। गैस ऑन करके हम पैन में तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम राई, जीरा और सौंफ डालेंगे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, अब डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और तुरंत इन्हें मिलाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब इसमें डालेंगे नींबू का रस और इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। आलू का मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इस मसाले को एक बाउल में निकालेंगे। आलू का मसाला भी हमने तैयार कर लिया है और बेसन का घोल भी तैयार है। अब हम वड़े बनाकर फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम वड़े बनाएंगे। आलू के मसाले की हम छोटी बॉल्स बनाएंगे। और इसे बेसन के घोल में डिप करेंगे। अब हम इन्हें तेल में डालकर फ्राई करेंगे। बॉल्स को आपको अच्छे से बेसन के घोल में डिप करना है और उसे तेल में छोड़ देना है। अब हम इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से फ्राई करेंगे। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। गैस की आंच को आपको मीडियम ही रखना है और वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे वड़े फ्राई करेंगे। बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। वड़े बनकर तैयार है। अब हम पाव के साथ इसे सर्व करेंगे। ये वड़ा पाव की ड्राई चटनी है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लीजिए तैयार है वड़ा पाव। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।